हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुबीनाज किचन। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस प्राउन्स कोली वड़ा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर प्राउन्स ले लिए है, इसे इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। क्लीन करने के बाद ये 250 ग्राम प्राउन्स निकले हैं। अब इसमें एक टीस्पून नमक डाल देंगे और एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, डेढ़ चम्मच नींबू का रस डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी में एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर ले प्राउन्स के साथ। अब इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दें। अब एक बाउल में आधा कप दही ले लें, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पेपर पाउडर और एक चम्मच नमक, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक पिंच फूड कलर, आधे नींबू का रस। अब इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच चावल का आटा। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। अगर बैटर थोड़ा ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिला ले। इसमें एक चम्मच मिर्ची और हरे धनिया का पेस्ट डाल देंगे और एक चम्मच तेल, मैं डालना भूल गई थी, अब इसे भी मिक्स कर लें। अब इसमें मैरिनेट किए हुए प्राउन्स डाल देंगे, अभी अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब इसे फ्राई करने के लिए हम एक फ्राई पैन में ऑयल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दें, उसके बाद इसमें सारे प्राउन्स को एक एक करके ड्रॉप करते जाएं। प्राउन्स बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। हमारे प्राउन्स बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी प्राउन्स कोली वड़ा बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।